हेलो एवरीवन वेलकम बैक प्रीवियस क्लास में हमने शुरू किया हुआ है यूनिट थर्ड में चैप्टर नंबर वन को डिस्कशन करना चैप्टर वन में जहां पे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस कर रहे हैं अब तक बात कर चुके हैं मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एन एवरेज साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिवस एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज एवरेज या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं हमने ये डिस्कस किया है आज के क्लास में हम उसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां बात करेंगे इसेंशियल्स ऑफ ए गुड एवरेज एक अच्छे एवरेज के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं इनका डिस्कशन हम आज के क्लास में करेंगे चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं जहाँ पर बात कर रहे हैं इसेंशियल्स ऑफ ए गुड एवरेज के बारे में इसको भी कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे और मैं पॉइंट्स लिख दूंगी बोर्ड पे और उसको हम वर्बली डिस्कस करते हुए चलेंगे इलेबरेट करेंगे इसेंशियल्स ऑफ ए गुड एवरेज ठीक है एक अच्छा एवरेज कैसा होना चाहिए क्योंकि इससे मिलता जुलता हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है राइट इससे मिलता जुलता से मेरा मतलब इस टॉपिक से मिलता जुलता हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चन आयर क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सैम्पल या इसेंशियल्स ऑफ ए गुड सैंपल आप याद करें यूनिट टू में हमने डिस्कस किया है तो क्योंकि यहाँ पे हम एवरेज की बात कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं तो एक अच्छा एवरेज कैसा होना चाहिए उसके लिए क्या क्या इसेंशियल्स हो सकते हैं उनको हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट इसेंशियल्स या आप तुम कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी अ गुड एवरेज शुड बी क्लियरली डिफाइन एक अच्छा एवरेज जो है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए ए सेटिस्फैक्ट्री एवरेज जो होना चाहिए दैट शुड बी क्लियरली एंड रिजिडली डिफाइंड सो दैट इज वन सिंगल वैल्यू एक जो कि एवरेज क्या है एक सिंगल वैल्यू है ठीक है जो कि एंटायर सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है तो अगर वो एवरेज वैल्यू जो होगा वो सिंगल वैल्यू जो होगा वो क्लियरली और रिजिडली डिफाइंड नहीं होगा तो फिर इस केस में दिक्कत ये आएगी कि जो भी इंफॉर्मेशन वो सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाह रहा है चूँकि वो इंटायर सेट ऑफ डेटा के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस केस में वो ये काम नहीं कर पाएगा एंड इट वुड बी अप्रिशिएबल इफ़ इट इज़ मैथमेटिकली डिफाइंड अगर ये मैथमेटिकली डिफाइंड है तो इसका मतलब है कि वो एग्जैक्ट है और उसका इस्तेमाल हम फर्दर स्टडीज़ में यानी कि फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कर सकते हैं सो so, सबसे पहली क्वालिटी जो निकल के आ रही है एसेंशियल जो लग रही है क्वालिटी दैट शुड बी क्लियरली और रिजिटली डिफाइंड ताकि ये आपको हेल्प कर सके इन द फर्दर एनालिसिस ये आपको क्लियरली Uh, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर सके जिसको उस सिंगल वैल्यू से डिनोट किया जा रहा है पहला नेक्स्ट फीचर की बात नेक्स्ट इसेंशियल की बात करें फीचर की बात करें तो अ गुड एवरेज शुड बी रिप्रेजेंटेटिव अ गुड एवरेज शुड बी रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव मतलब देखो एवरेज का क्या काम है एवरेज का, का काम है कि पूरे एंटायर सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करना बट इन अ सिंगल वैल्यू इन अ कंडेंस्ड फॉर्म और कंडेंस्ड फॉर्म से मतलब है सिंगल वैल्यू एक वैल्यू में पूरे सेट ऑफ डेटा को डिनोट करने के लिए एवरेज का कैलकुलेशन किया जाता है और उसका इस्तेमाल करते हैं तो दैट एवरेज शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स तो वो एवरेज ऐसे कैलकुलेट किया जाना चाहिए कि वो हर एक आइटम पर बेस्ड हो हर एक आइटम पर बेस्ड हो का मतलब है कि जब आप उस डेटा को यूज़ करोगे उस एवरेज वैल्यू को यूज़ करोगे तो उससे आपको होल सीरीज़ जो है सेट ऑफ डेटा जो है उसमें जितने भी डेटा है ईच एंड एवरी आइटम जो है सीरीज में उन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल सके सो इट शुड बी कम्प्यूटेड बाई टेकिंग इन टू अकाउंट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द सीरीज इट शुड बी एबल टू समराइज द एंटायर डेटा तो रिप्रेजेंटेटिव नेचर में होना चाहिए गुड एवरेज ये तब होगा रिप्रेजेंटेटिव नेचर जब इसको हम एंटायर सेट ऑफ डेटा में से हर एक वैल्यू को कंसिडर करते हुए कैलकुलेट करेंगे तो एक अच्छे एवरेज की पहचान या क्वालिटी अगर आप कहें गुण कहें तो वो यही हो सकती है दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव भाई वो रिप्रेजेंट करे क्या रिप्रेजेंट करे तो सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर सेट ऑफ डेटा नेक्स्ट इसेंशियल में आप देख सकते हो कि अ गुड एवरेज शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड देखो मैं आपको यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिख के बता रही हूँ आप इसको पूरा पूरा सेंटेंस भी बना के लिख सकते हो मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनिएगा अ गुड एवरेज शुड बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल और आसानी से समझ में आना चाहिए चूँकि एवरेज एक सिंगल वैल्यू है बट अपने आप में ये बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बतला रहा है राइट right? तो सिंप्लिसिटी इज अनदर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स सिंप्लिसिटी होनी चाहिए एक अच्छे एवरेज में इजी टू अंडरस्टैंड कब होगा जब वो सिंपल होगा तो इसको आप सिंप्लिसिटी के नाम से भी याद रख सकते हैं कि अ गुड एवरेज शुड बी सिंपल अब सिंप्लिसिटी रहेगा तभी आप क्या कर सकते हैं कि आसानी से कैल्कुलेशन uh, कर सकते हैं इसको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं और इससे आप इसकी यूटिलिटी को आप बढ़ा सकते हैं जो भी मेथड आप एवरेज को निकालने में कैलकुलेट करने में यूज़ करते हैं वो मेथड आसान होना चाहिए उस मेथड की कुछ ज़रूरी बातें होनी चाहिए जिनमें पहली बात ये हो सकती है कि वो तरीका सही हो वो तरीका एक्यूरेट हो वो तरीका कम कॉम्प्लेक्स हो और उस तरीके में एवरेज की जो एक्यूरेसी है वो घटनी नहीं चाहिए और आप इस तरीके का इस्तेमाल करके एवरेज निकालेंगे और तब जो एवरेज निकल के आएगा वो आपको सिंपल मिलेगा और सिंपल होगा तो आसानी से उसको समझा जा सकता है नॉट ओनली द एनालिस्ट और स्टैटिशियंस uh, के द्वारा बट जो एक लेमैन है वो भी आसानी से उसको समझते हुए थ्योरीज को जान सकता है और उसके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी समझ सकता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल uh, है गुण है एक अच्छे एवरेज की उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कैपेबल कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट ठीक है एक अच्छा एवरेज कैसा हो तो एक अच्छा एवरेज आपका ऐसा होना चाहिए जो कि एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट यानी कि एल्जेब्रिक कैलकुलेशन को भी कर पाने के कैपेबल हो ठीक है एंड एवरेज शुड बी सच दैट पोज इज इज सम इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ सो दैट आप उसको आसानी से किसी भी तरह के अल्जेब्रिक uh, ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं और उससे आप क्या कर सकते हैं कि अपने कैल्कुलेशन को अपनी स्टडी को आसानी से पूरा कर सकते हैं जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम एवरेज इनकम निकालना चाहते हैं uh, मान लो कि दो लोगों का या दो से अधिक लोगों का ठीक है मॉर मोर देन टू पीपल अगर ग्रुप ऑफ पीपल का हम एवरेज इनकम निकालना चाहते हैं तो इस केस में हम क्या करेंगे कि एवरेज uh, को कैलकुलेट करने के लिए हम कंबाइंड मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर हम एक साथ दो या दो से अधिक लोगों का इनकम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ऑफ कॉस्ट और फिर उसका इस्तेमाल जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा उसका हम फर्दर अपने एनालिसिस में इस्तेमाल कर पाएंगे तो यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि एक गुड एवरेज ऐसा होना चाहिए जो कि कैपेबल हो और उस किस चीज़ में कैपेबल हो तो अगर आप उसको फर्दर किसी तरह के एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में यूज़ करना चाहते हैं किसी फर्दर एनालिसिस में यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से कर सकें सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एवरेज एंड ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है उसके अलावा और भी इसेंशियल्स में आप पॉइंट्स डाल सकते हैं जैसे कि नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज अ गुड सैंपल शुड नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज एक अच्छा एवरेज आपका ऐसा होना चाहिए जो कि अननेसेसरली एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड ना हो यानी कि अगर बहुत स्मॉल वैल्यू है आपके सीरीज़ में आपके आइटम्स जो भी सेट ऑफ़ डेटा है उसमें जो भी आइटम्स हैं उसमें से अगर बहुत स्मॉल या बहुत लार्ज डेटा है तो वो आपके मेज़र्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए अगर ऐसा होता है तो इससे आपका जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो ट्रूली सेंस में एंटायर डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर सकता है अदरवाइज अगर अफेक्टेड होगा तो फिर आपका जो कैलकुलेशन है या जो एवरेज है वो ऊट पटांग रिजल्ट आपको दे सकता है ऊट पटांग मतलब इरेलीवेंट रिज़ल्ट दे सकता है और इससे आपका जो कैलकुलेशन है वो भी फर्दर कैलकुलेशन जो है वो भी गड़बड़ हो सकता है सो इट शुड बी नेसेसरी कि एवरेज जो है शुड नॉट बी अननेसेसरली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज इफ वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज आइटम्स अनड्यूली अफेक्ट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देन द एवरेज मे नॉट बी एबल टू ट्रूली रिप्रेजेंट द एंटायर यूनिवर्स और डेटा विच विल बिकम लिमिटेशन ऑफ एन एवरेज देखो बिल्कुल वही बात है जो मैं बता रही हूँ कि अगर कोई एवरेज ऐसा हो जहाँ पे एक सेट ऑफ डेटा गिवन है और ऐसा हो सकता है इज इट इट इज पॉसिबल कि उस सेट ऑफ डेटा में कोई ऐसा वैल्यू हो कोई ऐसा डिजिट हो जो बहुत छोटा हो बहुत स्मॉल हो एज़ कंपेयर टू अदर वैल्यूज इन द सेट और कोई ऐसा भी वैल्यू हो सकता है जो सेट में अदर वैल्यूज की तुलना में बहुत लार्ज हो अब अगर एवरेज जो है एवरेज वैल्यू जो सिंगल वैल्यू जिससे हम जिससे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर कैलकुलेट करते हैं या जो रिप्रेजेंट करते हैं अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उस बहुत स्मॉल या बहुत लार्ज वैल्यू से अफेक्टेड हो जाता है उसका वैल्यू वैरी कर जाता है उस स्मॉल या लार्ज वैल्यू से तो फिर इस केस में जो एवरेज वैल्यू आपके पास आएगा जो रिजल्टिंग वैल्यू आपके पास आएगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तौर पर वो कुछ अलग ही आएगा वो इरेलीवेंट आ सकता है वो ट्रूली uh, सेंस में उस एंटायर ग्रुप ऑफ डेटा के ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा और फिर इस केस में एवरेज का जो पर्पस है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फेल हो जाएगा तो एक अच्छा एवरेज वही होगा जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड न हो अनअफेक्टेड रहे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्सिल्यूट नंबर अ गुड एवरेज शुड बी शुड बी मेजर्ड इन एन एप्सिल्यूट नंबर एक अच्छा एवरेज वो होगा जो कि एप्सिल्यूट नंबर में मेजर किया जाएगा क्या मतलब है इसका तो ये वैल्यू जो होना चाहिए दिस वैल्यू इन परसेंटेज और इन रिलेटिव फॉर्म विल नॉट सर्व द पर्पस ऑफ हैविंग ए सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्स क्या है कि एक गुड एवरेज जो है ना वो एब्सलूट नंबर में होना चाहिए पूर्णांक में आप कह सकते हैं होल नंबर में होना चाहिए ठीक है अगर वो वैल्यू बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आ जाए बहुत अलग अलग तरीके में आ जाए फ्रैक्शन में आ जाए तो इस केस में आपको क्या है कि एग्जैक्ट जो रिलेशनशिप शो आप कर रहे हो या एग्जैक्ट जो इकोनॉमिक कंडीशन आप डिस्कस करना चाह रहे हो वो इकोनॉमिक कंडीशन का आप डिस्कशन नहीं कर पाओगे और उस केस में आपका जो एवरेज है वो एक अच्छा एवरेज भी नहीं कहलाएगा जो कि एक ट्रूली सेंस में आपको ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा ना सिंगल वैल्यू तो जो भी हम एवरेज की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं जो भी एक गुड एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं सो दैट गुड एवरेज शुड बी इन एप्सल्यूट नंबर अगर एप्सल्यूट नंबर में वो नहीं है तो फिर आपका जो पर्पज ऑफ द स्टडी है या जो पर्पस ऑफ द कैलकुलेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक अच्छे एवरेज के गुण को बतलाते हैं को बतलाते हैं कि एक अच्छा एवरेज कैसा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए इसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ आपसे क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है तो आप उसके आंसर को करने के लिए एलिजिबल हो जाएं मैंने आपको ये पॉइंट्स बतला दिए हैं पॉइंट्स याद रखेंगे मैं बार बार कह रही हूँ आपको पॉइंट्स ही याद रखने हैं इनका जो भी एक्सप्लेनेशन वगैरह है इन सबको आप अपने शब्दों में आराम से कर सकते हैं तो देखो जो बेसिक एक आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड वो कंप्लीट होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे हमारा ओवर हो रहा है हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिया है फंक्शंस भी और हमने डिस्कस डिस्कस किया इसेंशियल्स कि क्या भाई ज़रूरी चीज़ें क्या क्या होती हैं एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए हमने वो डिस्कस किया अब क्योंकि यहाँ पे हम अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे तो अब हम अर्थमेटिक मीन को शुरू करते हैं कि वॉट इज इट अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब है और बात करेंगे इसके कैलकुलेशन की इन टर्म्स ऑफ थ्री सीरीज़ जो इंडिविजुअल सीरीज़ डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है तीन टाइप के जो सीरीज़ हैं उनमें हम कैसे अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करते हैं क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो सारी बातें अब हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन का मीनिंग हमारे नेक्स्ट क्लास का पहला टॉपिक रहेगा और आज के क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं थैंक यू